तो कैसे हो मेरे अजीज़ पतंग बाजो। चलो यार आज मच्छर बनाते हैं, जिसके लिए मैंने ले लिया है ग्रीन कलर का जर्मन पेपर, जिसका साइज़ है 25 इंच बाई 26 इंच। बहुत ही प्यारा कलर है, ठीक है। और कैंची मैंने ले ली है, कटर ले लिया है, और लेवी ले लिया, आटा शलेश और बम्बू स्टिक नॉर्मल धागा, जिसके साथ आप कपड़े वगैरह भी सीते हैं, ठीक है। इसको हम मच्छर बोलें या बोतल बोलें आप मुझे मैसेज करके बताओ, जो भी है दोनों नाम मैं मेंशन कर दूंगा, ठीक है। तो मैं कंफ्यूज था, मैंने ऐसे ही एक पतंगबाज से पूछ लिया, बहुत बड़ा वो उस्ताद है, उससे मैंने पूछा कि उस्ताद जी आप बताओ यार ये मच्छर और जो बोतल काइट है इनमें क्या डिफरेंस है दोनों में। तो वो बोलता है यार काफ़ी डिफरेंस है, मुझे नहीं लगता यार कोई डिफरेंस है। तो बोलता है कि यार जो बोतल काइट होती है ना वो चौड़ी होती है, ऊपर से उसकी लंबाई कम होती है, उसको बोतल काइट बोला जाता है। जो मच्छर काइट होती है ना वो लंबी होती है, काफ़ी लंबी होती है, यानी दिखने में लंबी लगती है। मुझे नहीं यार कोई फ़र्क लगा दोनों में, अगर आप लोगों को फ़र्क लगता है ना तो मुझे मैसेज करके ज़रूर बताना। और इसी तरह की मैंने काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ इसी मच्छर काइट में, मुझे अभी तक नहीं पता चला कि इसे मच्छर बोलूँ या बोतल बोलूँ। तो आप लोगों को पता ही है कि अक्सर वीडियो मेरी होती है इसी टाइप में। आज मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ, आप लोगों के मैसेजों के जवाब भी देने थे काफ़ी। सबसे ज़्यादा सवाल जो पूछा गया है ना मुझसे वो बम्बू के ऊपर है। तो यार मेरे भाई, बम्बू ढूंढने के लिए आपको एफर्ट करनी पड़ेगी। जो काइट वाला स्पेशल बांस होता है ना, उसका तीन कैटेगरी हैं। पहले नंबर पे आता है बर्मा, ठीक है, दूसरे नंबर पे आता है सरांचा, तीसरे नंबर पे आता है मंदिया। ये तीन टाइप के बांस होते हैं जिससे काइट बनती है, प्रोफेशनल काइट। टुकड़े बनती हैं जो गुड्डे बनते हैं ना, यही तीन कैटेगरी में बनते हैं। ये प्रोफेशनल लेवल पे जो गुड्डे बनाते हैं वो ही इनसे गुड्डे बनाते हैं। ये बांस होता है थोड़ा सा नरम और लचकदार होता है बांस, जिससे काइट बनाने को छीलने तीले छीलने को बहुत ही आसानी रहती है, ठीक है। वो आपको एफर्ट करने पे मिलेगा, क्योंकि हमारे मुल्क में है पाबंदी काइट फ्लाइंग पे, ठीक है, जिसकी वजह से ना ये खुलेआम नहीं बिकते, बहुत ही छुप छुपा के वो बेचते हैं। बरहाल काइट वाला बांस ढूंढना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो उसके बरक्स मैं आप लोगों को एक बांस और बताता हूँ, जो बांस आपके इर्द गिर्द एरिए में आपको ढूंढने पे मिल सकता है आराम से। पौड़ी बनाते हैं वो लोग, रेड कलर की बम्बू वाली पौड़ी जो होती है ना, वहाँ पर आपने चले जाना उनकी शॉप से, वहाँ से आपने ढूँढ के लेके आना है बांस। तरीका मैं आपको बता देता हूँ चेक करने का, कैसे उसको चेक करना है। खाली बांस होगा अंदर से, और बहुत ही नरम होगा, फटा होगा, पुराना होगा बांस, ठीक है, वो आपने ले लेना। उसके साथ भी आपको काइट अच्छी मिल सकती है, अगर आप उसके उसको थोड़ा सा मुश्किल है काटना, पर आप काट लोगे आराम से, ठीक है ना। तो उसको छील के आप उसके भी काइट बना सकते हो, बहुत ज़बरदस्त काइट बनती है उसकी। मैं भी बनाता रहा हूँ, जब मुझे ये बांस नहीं ना मिला था तो मैं भी बनाता रहा हूँ। अभी मुझे एक दोस्त से मिल गई है, वो चोरी छुपे लेके आता है, वो खुद बनाता है गुड्डे, वो भी आगे से किसी से लेता है, मैं उससे थोड़े से ले आता हूँ बांस, बस दो चार जो पट्टियाँ होती हैं वो ला के उसकी मैं काइट बनाता हूँ, ठीक है। बहुत मुश्किल से मिलता है यार, एफर्ट करनी पड़ती है, जाना पड़ता है सारा सारा दिन, छुप छुपा के जैस कैश करो, ये करो, बैंक अकाउंट में पैसे लगाओ, थोड़ा महंगा होता है वो आप लोगों के लिए, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं आपको उसके बरक्स बता रहा हूँ कि आप लोग अगर आप काइट फ्लाइंग और काइट मेकिंग के लवर्स हैं ना, तो वो आप दूसरे वाले जो बांस जो मैंने आपको बताए रेड कलर के, वो आप लेके आके उसके साथ भी आप काइट बना सकते हो, और बहुत ही ज़बरदस्त काइट बनती है। बहरहाल वो जो बांस होता है ना उसको आप भूल जाओ, जो काइट मेकिंग वाला स्पेशल बांस होता है जिसको हम बर्मा बोलते हैं। बर्मा मैंने सुना है, कुछ दिन पहले मेरा दोस्त बोल रहा था कि यार ये बर्मा बांस भी ना बैन हो चुका है पाकिस्तान में, ये बर्मा से आता है ना, तो इसलिए उन्होंने बैन कर दिया है, पाकिस्तान में आ ही नहीं सकता सिर्फ काइट फ्लाइंग की वजह से। सरांचा बांस मिलता है, सरांचा बांस मुख्तलिफ जगहों पर यूज़ होता है, मुख्तलिफ चीज़ें उसकी के क्राफ्ट वर्क होता है उसके साथ, क्यारियों में लगता है, इसलिए वो आ रहा है, उसके टुकड़े बनती हैं ज़्यादातर, वो नरम होता है, उसका बड़ा गुड्डा नहीं बन सकता। मैक्सिमम आप ढाई तावे तक उसका गुड्डा अच्छा बना सकते हो, ढाई तावे से ऊपर जो बनाएंगे ना तो वो लीपो रहेगा। मैंने जो बड़ी तुकल इसी चैनल पे मैंने अपलोड की है, तकरीबन 20 गिट्ठी मैंने बनाई है, वो सरांचा बांस से ही बनाई थी, और उसका यकीन करो इतना मोटा तीला था ना, तकरीबन 1 इंच का मोटा तीला था, तो फिर भी इतनी लीपो। सब मुझे बोलते थे कि उमैर भाई आप इतने बड़े प्रोफेशनल मेकर हो तो आपने इतनी लीपो तुकल बना दी। तो मैंने कहा यार मेरा कसूर नहीं है, ये जो इसका बांस है ना मैंने तो फुल मोटा रखा था, फिर भी वो लिपो बन गई, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा तुकल वाली वीडियो, वो आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारी तुकल बनी है। मेरे तकरीबन 2 दिन उस तुकल पर लगे हैं,
और बहुत ही ज़बरदस्त उकल बनी है, उसके साथ इतने गुड्डे काटे हैं ना बसंत वाले दिन, मज़ा आ गया यार, ठीक है ना। बाकी जो क्वेश्चन थे, मोस्ट कॉमन जो जवाब सवाल थे ना, उसके मैंने जवाब दे दिए। ज़्यादातर लोगों ने बम्बू के बारे में ही पूछा था, तो मेरा नहीं ख्याल कि अभी कुछ रह गया हो बाकी बम्बू के बारे में। अगर मज़ीद कुछ रह गया है तो मुझे आप मैसेज करके पूछ लो, फेसबुक पे भी मैं अटैच हूँ, इस पे भी वीडियो पे आप कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा कि क्या रह गया है। तो अभी हम इंजॉय करते हैं अपनी बोतल काइट की फ्लाइंग। मेरी हर वीडियो में फ्लाइंग होती है और मेरे तकरीबन 90% गुड्डे ऐसे होते हैं जिसकी मैं फ़्लाइंग करके उतार के फाड़ देता हूँ, ठीक है ना। सिर्फ मेरा मकसद होता है आपको काइट उड़ा के दिखानी, ठीक है। ज़्यादा दूसरे चैनल वाले नहीं, सिर्फ मेकिंग करते हैं पर आपको फ्लाइंग नहीं दिखाते, क्योंकि वो बेचते हैं और इतनी मुश्किल तरीका बताते हैं कि यार कोई भी मेरे प्यारे प्यारे से छोटे छोटे से दोस्त हैं जो काइट मेकिंग वाले, वो बना ही नहीं सकते यार। वो मेजरमेंट कहाँ से लेके आएँ, कैसे फोल्ड करें, कैसे उसका फर्मा बनाएं, ठीक है ना। तो अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है ना। थोड़ा भाई को अप्रिशिएट कर दिया करो यार, इतनी मेहनत करता हूँ, आपका अप्रिशिएट मिलेगा तो मैं आगे मेहनत करूँगा ना, और अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊँगा, ठीक है ना, मज़े मज़े की, और मज़ा आएगा, साथ में काम करेंगे, आप लोग भी सीखोगे, मैं भी आप लोगों को सिखाऊँगा, साथ मिलके चलता रहेगा ऐसे ही सिस्टम, ठीक है। तो कैसी लगी ये वीडियो मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके, ठीक है। तो मैं मिलूँगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे अपनी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।